नमस्कार, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। रागगिरी का ये इतना सुंदर संकल्प है, इतना सुंदर प्रयास है कि अपनी नई पीढ़ी को भारत की महान हस्तियाँ, बड़े बड़े कलाकारों से उनकी साधना और उनकी तपस्या, इसके बारे में बताना, उनका परिचय कराना। और आज मेरा सुंदर सौभाग्य है कि आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ अपने गुरु पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी की, जिन्हें हम सब बड़े आदर और सम्मान से अप्पा जी कहते थे। ठुमरी का नाम लेते ही सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी का। बनारस घराने की कर्णधार गायिका, सैनिया घराने की गायिका, जिन्होंने ठुमरी को एक नया आयाम दिया। उनके नाम को ही सोचिए, सिर्फ कल्पना मात्र कीजिए तो सन से चांदी जैसे चमकते हुए बाल, मुंह में चमकता पान का बीड़ा, वो हीरे की दमकती लौंग और उसमें ठेठ बनारसी तेवर, खुश मिजाज स्वभाव और साथ में खनकती हुई बनारसी आवाज और अंदाज। अप्पा जी का जन्म 1929 में हुआ, जब वे सिर्फ 5 बरस की थी। उस छोटी सी उम्र से उन्होंने संगीत की कठिन साधना अपने प्रथम गुरु गुरु सरजू प्रसाद मिश्र जी के अधीन प्रारंभ कर दी। साधना जब और घनी हुई तो दूसरे गुरु पंडित श्रीचंद मिश्रा जी के अधीन उन्होंने संगीत की तपस्या प्रारंभ की। छोटी सी उम्र में उनके कंठ की बारीकी और उनकी लगन देखकर उनके गुरुओं ने भी ठान लिया था कि बनारस की सारी विधाएं, चूंकि बनारस की गायकी चौमुखी गायकी कही जाती, वो सब उनको सिखाई जाए। सुयोग्य गुरुओं के हाथ में पड़ी छोटी सी गिरिजा, उनको मशहूर होने में समय नहीं लगा, बहुत जल्दी उनकी धूम मच गई। और सबसे पहले जो उस जमाने में आकाशवाणी था प्रयाग में, इलाहाबाद में, 1948 में आकाशवाणी प्रयाग से उनको बुलावा आया और पहली कॉन्सर्ट जिससे वो तुरंत मशहूर हुई, उसका बुलावा उनको मिला 1951 में बिहार आरा। आरा के कॉन्सर्ट में अप्पा जी ने ऐसा गाया कि पूरे देश में छोटी सी गिरिजा देवी जी की धूम मच गई। अप्पा जी का विवाह संगीत के बहुत बड़े मर्मज्ञ और काशी के एक अत्यंत प्रतिष्ठित संभ्रांत व्यापारी आदरणीय श्री मधुसूदन जैन जी से हुआ। विवाह के बाद पारिवारिक दायित्वों के बावजूद हमारे गुरु ने संगीत साधना नहीं छोड़ी और ये समझ लिया कि पारिवारिक दायित्वों के बावजूद यदि संगीत में मुकाम पाना है तो दोनों में संतुलन बनाना होगा। और इसलिए, बल्कि मैं आपको बताऊँ बहुत पुरानी बात, मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे याद है झांसी में एक स्कूल था क्राइस्ट द किंग, जहाँ पर अप्पा जी अपना गायन देने के लिए आई तो वहीं मंच पे किनारे उनके पति भी साथ बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं ये छवि मेरे अपने मन में अंकित हो गई। जो महिलाएं संगीत को अपना जीवन मानती हैं वो ये समझती हैं कि परिवार का संतुलन और साधना का संतुलन, ये दोनों को साधना होता है। और कहीं ना कहीं अपने अंतिम समय तक जैसा मैंने अपने गुरु को देखा, वो अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चली, यहाँ तक कि उनके सभी शिष्य भी उनके लिए एक परिवार समान थे। धीरे धीरे अप्पा जी की ख्याति देश विदेश में फैल गई और सारे प्रतिष्ठित आयोजनों की पहली पसंद बन गई हमारी गुरु गिरिजा देवी जी। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी उत्सव महोत्सव सम्मेलन बिना उनकी ठुमरी के अधूरा ही रहता। 1978 में कलकत्ता की प्रतिष्ठित ITC म्यूजिक रिसर्च एकेडमी ने उन्हें बतौर एक गुरु अपने यहाँ नियुक्त किया और वे अपनी अंतिम सांस तक वहीं पर एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रही। अप्पा जी का पूरा जीवन अनगिनत कार्यक्रम देते बीता और अनेक अनुभव थे जिन्हें वो अक्सर हम सभी शिष्याओं के साथ बैठकर साझा करती थी। कुछ अनुभव जरूर आज छोटे बच्चों के साथ मैं साझा करना चाहूंगी। एक बार का वाकया वो बताती थी, जब उनका कार्यक्रम हुआ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम, उस कार्यक्रम में 3 कलाकार आमंत्रित थे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब, डीवी पलुस्कर जी और हमारी गुरु गिरिजा देवी जी। समय कम था क्योंकि मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि थे, 20-20 मिनट का समय तीनों कलाकारों को मिला। हमारी गुरु की आदत थी कि उन्हें जितना समय दिया जाए वो आयोजक की बात मानकर अपना कार्यक्रम उसके पहले ही समाप्त कर देती थी। यहाँ तो 20 मिनट मिला था तो हमारी गुरु ने 18 मिनट में ही अपना कार्यक्रम बंद कर दिया। एक ठुमरी गाई और एक टप्पा गाया, 18 मिनट हो गए। तभी ऑडियंस के बीच में से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ में एक संदेश था।
बाद में पता चला ये संदेश भिजवाया था वहीं श्रोता के रूप में उपस्थित तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी हुए, और उन्होंने ये कहलाया था कि आपने गायन क्यों समाप्त कर दिया, हम तो सुनने के लिए बैठे। हमारे गुरु जी जो संगीत की साधना के तप से बल और ओज आता है, उसके बल पर भी माइक पे बोली, मैं तो गाऊंगी लेकिन ऐसा ना हो कि आप श्रोता में हैं, आप लोग मुख्य अतिथि उठ के चले जाएं। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने हंस के कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आपको ही सुनने के लिए आए। इस पूरे आयोजन का किस्सा पूरे देश विदेश में सुनाया गया कि किस तरह से बड़े बड़े कलाकार अपनी साधना के प्रति कितने निष्ठावान हुआ करते थे, संगीत को सम्मान मिले, उनकी कला को सम्मान मिले, इसके लिए डरते नहीं थे, बेधड़क कहते थे। और आज के कलाकारों को और नए बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कि जितना समय कहा गया उतने समय में अपनी प्रस्तुति को पूरा करना। वे इतने सक्षम कलाकार थे तब भी समय के अनुशासन को बाद तक वो उसको मानते रहे। एक अनुभव मुझे और भी याद आता है, अप्पा जी का प्रोग्राम था बिहार में। उस जमाने में रात भर कॉन्सर्ट्स हुआ करती थी, क्योंकि अप्पा जी उस समय नई नई थी। अप्पा जी का कार्यक्रम सबने कहा कि अब 2 बजे, फिर सबने कहा 3 बजे और 4 बजे, इस तरह टालते टालते करीब 4:30 बजे के करीब उनका समय आया। जब तक अप्पा जी का गाने का समय हुआ, उस समय तक सामने पंडाल में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। 2-4 व्यक्ति वहीं सो रहे थे, बाकी कोई नहीं था। बहुत दुखी हुई अप्पा जी, और दुखी होने के संग संग उन्होंने सीधे सामने देखा तो एक महादेव की मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति की ओर देख करके उन्होंने सीधे आंखें बंद की और उन्होंने सोचा और मन ही मन कहा, महादेव आप ही को सुनाने तो आई। और उन्होंने सा लगाया और आंख बंद करके उन्होंने जोगिया गाना प्रारंभ किया। करीब आधे घंटे बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पंडाल में लोग भर चुके थे। कहाँ से वो लोग आ रहे थे, सोते से जग गए या अपने आप आवाज को सुन करके चले आए, पूरा सभागार भर गया। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो एक व्यक्ति वहां पर, एक साधु बाबा आए और उन्होंने कहा कि बेटा इतना अच्छा गाया, मेरी ओर से तुमको शुभाशीष। मेरी गुरु बताती कि जब तक वो मंच से उठे उनको प्रणाम करने के लिए, तब तक वो साधु वहां से जा चुके थे। अप्पा जी हमसे हमेशा ये कहती थी कि वो एक चमत्कारिक अनुभूति थी, शायद वो ऐसा क्षण था जब आप कह सकते हैं उन्होंने ईश्वर के दर्शन कर लिए। लेकिन मैं जो इसमें एक प्रैक्टिकल बात देखती हूँ वो ये कि कलाकार के सुर में यदि तप होता है तो सोया हुआ आदमी भी चला आता है। आज भी आपकी गायकी में दमखम हो तो श्रोता खींचा हुआ चलाएगा। वैसे ही जैसे हम सुनते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गौवे हों या गोपिकाएं या वन मयूर अपने आप खींचे हुए आकर्षित होकर चले आते थे। गिरिजा देवी जी को 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्मभूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 24 अक्टूबर 2017 को गिरिजा देवी जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस कलकत्ता में। आज गिरिजा देवी जी नहीं हैं, लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं। वे अपने पीछे छोड़ गई हैं एक बड़ी समृद्ध विरासत, बनारस के पूर्व अंग की गायकी। जब जब ठुमरी सुनी जाएगी, जब जब पूरब अंग की गायकी सुनी जाएगी, बड़े सम्मान, बड़े प्यार और बड़े निष्ठा के साथ नाम लिया जाएगा सुरीली गिरिजा देवी जी का। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।